नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अतुल में। आज हम टैक्सोनॉमी का तीसरा पार्ट और अपने इस सामान्य विज्ञान की सीरीज़ का चौथा पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, ऑप्शन आर विविपेरस, मांसल, विषमपर्णी और शाकीय। ऑप्शंस आपने पढ़ लिया होगा, ये यूपी लोअर पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज मांसल। जो मरुभूमि में जो पौधे पाए जाते हैं, कुछ भाग जो है वो जल क्या होता है संचित रखने के लिए उनका अधिक मांसल तथा स्थूल होना है। ये क्या होता है कि वो जल के संचय रखते हैं, जिस वजह से वो क्या होते हैं मांसल होते हैं। दूसरा प्रश्न है, टाइम स्टार्ट नाउ। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, जीरोफाइट, हैलोफाइट, हाइड्रोफाइट एंड सक्यूलेंट। ऑप्शंस आप एक बार जरूर पढ़ें अच्छे से एंड योर टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज हैलोफाइट। जो हैलोफाइट है लवण मृदुद्भिद जो हैं उन पादपों को कहते हैं। किसे कहते हैं, जो उच्च लवणयुक्त जल में पैदा होते हैं, लवण की मात्रा जिसमें क्या होती है ज़्यादा होती है। तो यह हमारा सही जवाब होगा हैलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। योर टाइम स्टार्ट। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। किसके लिए निर्भर होते हैं, जल के लिए, छाया के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए एवं भोजन के लिए। ओके, तो आपका समय समाप्त होता है और हमारा जो सही जवाब होगा यहाँ वो होगा यांत्रिक अवलंबन के लिए, अवलंबन के लिए। आइए थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन को देखें। देखिए, जो अधिपादप है वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्ण हरित पाया जाता है। आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो उसी प्लांट्स में होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एवं सनलाइट के जो प्रेजेंस में ही हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए ही क्या होते हैं निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम समय स्टार्ट करते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, बढ़त बिंदु से, जड़ों के बालों से, भ्रूणीय जोन से और दीर्घीकरण जोन से। समय समाप्त और करेक्ट जवाब होगा यहाँ जड़ों के बालों से। आपने देखा होगा कि पानी हमें कहाँ से मिलता है, जड़ों से। तो जड़ के जो रेसेस होते हैं उन्हीं से हमें ये जल की जो मात्रा होती है वो पौधा अपना पूरा करता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं समुद्रिक जीव को, पौधीय रोग को, जलीय पौधों को, जड़ रहित पौधों को। ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ें। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और आरएएस दोनों में आ चुका है। आंसर हमारा जो सही है वो है जलीय पौधे को। बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले जो पौधों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी होती है जो कि पौधों के तैरने में क्या होते हैं सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक इसमें आपका क्या होगा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वभक्षी और हरित पादप। हमारा जो समय मैं स्टार्ट कर देता हूं और मैं अगर बताना चाहूं कि ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2016, आरएएस और लोअर पीसीएस तीनों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रथम पोषक जो स्तर के अंतर्गत आते हैं, हमारा समय समाप्त होता है और सही जवाब होगा हरित पादप। हरित पादप क्या है, वो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम इन्हें क्या कहते हैं, ये
ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिस वजह से हम इन्हें इन्हीं पे सभी जीव जंतु निर्भर होते हैं। तो प्रथम पोषक यही कहलाते हैं। और ये क्या है? हमारे हरित पादप। क्यों? बिकॉज जो हरे जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उन्हीं से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए हरित पादप को हम प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत लाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो हरित पादप पे निर्भर होते हैं। जो मांसाहारी जंतु हैं वो शाकाहारी जंतु और हरित वो शाकाहारी जंतुओं पर, मतलब छोटे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। और जो सर्वभक्षी जंतु होते हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जंतुओं पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां प्रश्न है, आर्कियो बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। योर टाइम स्टार्ट। ओके, आपका समय समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन आते ही आपके समय शुरू हो जाएंगे। ऑप्शंस हैं एथेन के, मेथेन के, अम्ल के और अल्कोहल के। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज मेथेन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं वतक तंत्र से, त्वचा से, प्लूम से एवं वतक तंत्र से। ओके, यहाँ मैंने वतक तंत्र दो बार ले लिया है। तो जो हमारा समय यहाँ समाप्त होता है और सही जवाब ही हमारा वतक तंत्र होगा। ये आप याद रखिएगा, वतक तंत्र से ही अधिकांश कीट क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बता सकते हैं कि मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है किसके द्वारा? जो मछलियां हैं वो किसके द्वारा अपना जो श्वसन का प्रोसेस है, जो एक रिस्पिरेशन का प्रोसेस है, उसे कंप्लीट करती हैं? उसमें त्वचा है, फिन्स हैं, गलफड़े हैं और नाक है। समय समाप्त। और आपका सही जवाब होगा गलफड़ों के द्वारा। दसवां प्रश्न है, सेब के फल में लाली का कारण है। सेब के फल में लाली का कारण है। हमारे ऑप्शंस हैं एंथ्रोसाइन, दूसरा ऑप्शन है लाइकोपीन, कैरोटीन और जेंथोलफिल। तो सही जवाब इसका होगा, योर टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। टमाटर में जो लाल रंग है इसका कारण क्या है? टमाटर के लाल रंग होने का कारण, ऑप्शन आर कैप्सिसिन, कैरोटीन, लाइकोपीन, जेंथोफिल। ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे, टमाटर के लाल रंग होने का कारण। ये क्वेश्चन UPPCS स्पेशल मेंस 2008 में और लोअर PCS 2015 में पूछा गया है। योर टाइम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण है। पपीते में पीले रंग का कारण हमने देखा, सेब के फल में लाली का कारण एंथ्रोसाइनिन, टमाटर में लाल रंग का कारण आपका लाइकोपीन और पपीते में पीले रंग का कारण ऑप्शन है पेपेन, लाइकोपीन, कैरोटीन, कैरिकाजेंथिन। एम्स अप एंड करेक्ट आंसर इज कैरिकाजेंथिन के वजह से ही पपीता क्या होता है? पीला होता है। पपीता का वनस्पति नाम अगर हम देखें तो वो है कैरिका पपाया। ओके, पपीता का वनस्पति नाम क्या होता है? कैरिका पपाया। और ये विटामिन ए का, इसमें प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन ए पाई जाती है। और विटामिन ए की कमी से अगर रोग हम बात करें तो वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो क्या क्या कहते हैं, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। खमीर एक उदाहरण है, खमीर एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं जीवाणु का, कवक का, विषाणु का और शैवाल का। ऑप्शन आप एक बार फिर से पढ़ें, जीवाणु, कवक, विषाणु और शैवाल। समय समाप्त। और हमारा सही जवाब है कवक। खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। यह शर्करायुक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुतायत में पाया जाने वाला विशेष प्रकार का एक क्या है? कवक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट या मशरूम हैं। ऑप्शंस हैं फफुंद, गांठदार जड़ें, नग्न बीज और शैवाल। ईस्ट जिसको हम और मशरूम दोनों की बात की जा रही है कि ये फफूंद है, शैवाल है, नग्न बीज हैं और गांठदार जड़ें हैं। हमारा सही जवाब होगा ये क्या है? फफूंद है, फंगस, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंगस भी कहते हैं। मशरूम क्या है? मशरूम कवक है, पशु है, पौधा है या फिर बैक्टीरिया है?
ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2011 एंड यूपी पीसीएस 2008 में पूछा जा चुका है, मशरूम क्या है? टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज कवक, मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है, कपास के प्रमुख घटक की बात करें, इसके ऑप्शंस हैं सेलुलोज, वशीय अम्ल, प्रोटीन और जल। कपास के इनमें से कौन सा एक प्रमुख घटक है? प्रमुख घटक मतलब जैसे हमारे वायुमंडल का प्रमुख जो गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन, बिकॉज वो 71% है, 72% है। इट मीन्स कि सेलुलोज में भी ऐसा क्या है, तो वो है सेलुलोज, सॉरी कपास में क्या है, सेलुलोज है, जिसकी जो परसेंट मात्रा अगर हम देखें तो वो 91% क्या है, इसमें सेलुलोज है, किसमें, कपास में। लाइकेन मिश्रित जीव है, कवक और ब्रायोफाइट से, शैवाल एवं जीवाणु से, कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से। हमारे ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे, लाइकेन के मिश्रित जीव की बात की जा रही है। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज कवक एवं शैवाल से। लाइकेन जो है दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैत पादप होता है। ये कैसा पादप है? द्वैत पादप। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नोस्कापिन, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं हमारे पोस्ता, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं पोस्ता से, तुलसी से, लाइकन और साइनो जीवाणु। ये तुलसी लिखा हुआ है, थोड़ा एरर है, ह्यूमन एरर, सो प्लीज आप इसे समझिएगा। ये तुलसी है, ये पोस्ता है, लाइकेन और साइनो जीवाणु। ओके, टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज पोस्ता से। नोस्कापिन, नोस्कापिन किसे प्राप्त होता है? पोस्ता से। नेक्स्ट है, हेरोइन प्राप्त होती है भांग से। हम टाइम स्टार्ट कर देते हैं। हेरोइन प्राप्त होती है भांग से, तंबाकू से, अफीम पोस्ता से और सुपारी से। जो हेरोइन होती है आप लोगों ने देखा होगा मूवीज वगैरह में, तो हेरोइन किसे प्राप्त होता है? भांग, तंबाकू, अफीम पोस्ता, सुपारी। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज अफीम पोस्ता से। मॉर्फिन किसे प्राप्त होती है? हमारे ऑप्शंस हैं मॉर्फिन किसे प्राप्त होती है, ऑप्शंस आर फल, फूल, पत्ती, तना। मॉर्फिन, इसके लिए आपको केवल 5 सेकेंड ही दिए जाएंगे। एंड टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज फल। मॉर्फिन एक क्या है, किसे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। सो प्लीज़ अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है जड़ों से, पके फल के लैक्टस से, सूखी पत्तियों से, बिना पके फल के लैक्टस से। देखिए यहाँ दो ऑप्शन कन्फ्यूजिंग हैं, पके फल के लैक्टस और बिना पके फल के लैक्टस। तो आइए हम देखते हैं। टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज अफीम किससे प्राप्त होता है, बिना पके फल के लैक्टस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्ता, पोस्ता जो है वो पौधे के, पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल, पत्ते, अधपके फल और मूल। आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन अभी देखा होगा तो हमें क्या मिला कि अधपके जो फल हैं, ओके, यहाँ आप इसे एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, इसका अधपके फल ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। मैं इसे कट कर देता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अफीम का वास्तविक नाम है, अफीम का वास्तविक नाम, ऑप्शंस हैं हमारे एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, रोवा फ्लिफाया, लिफिया सर्पेंटाइना, सिंकोना स्पीसीज, पेपेवर सोमनीफेरम। करेक्ट आंसर इज पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अफीम का मुख्य अवयव है, अफीम का मुख्य अवयव एट्रोपिन, क्विनिन, हेरोइन और मॉर्फिन। योर टाइम्स टाइम्स अप एंड योर करेक्ट आंसर इज मॉर्फिन। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you and Jai Hind.